हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। भाई विवेक आप का वेलकम करता हूँ एग्जाम फॉर डिफेंस फोर ईयर पे। तो आजकल का बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, थोड़ा टफ सा कहूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। आई के पावर आई, आयटा के पावर आयटा क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन आजकल का बड़ा ट्रेंडिंग चला है। एयरफोर्स, नेवी की बात करूँ, कोस्ट गार्ड की बात करूँ, देखते इसको कैसे कर सकते हैं हम सब लोग। इजिएस्ट वे बताऊंगा आपको, समझाने की कोशिश करूंगा। चले तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, आई लॉग आई, ऐसा हो जाएगा आई लॉग आई। अब इस आई को हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। इस आई को आप सबको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां पे मैं पोलर फॉर्म भी यूज करूंगा और आयलर थ्योरम भी यूज करूंगा। जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यूज करते हैं। अब यहां पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सिर्फ आई है। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की जगह सिर्फ आई है, रियल पार्ट जीरो, वास्तविक हिस्सा। तो अगर मैं आई को लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाहर आर भी आता है, आर टाइम ऑफ होता है। अगर मैं आई को लिखना चाहूंगा ये कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड वन है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू प्लस ऑफ आई साइन पाई बाई टू। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, हाँ या ना? आई को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद आई का वैल्यू ये हो गया। इसी चीज को अगर आपको पता हो, यहाँ पे थीटा क्या है, पाई बाई टू है, जो कि एक आर्गुमेंट होता है। और अगर हमें पोलर फॉर्म में इसको चेंज करना हो तो पोलर से आइलर में, तो E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे I इज इक्वल टू हो जाएगा E के पावर में I थीटा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। Z इज इक्वल टू होता है E के पावर में I थीटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हमारा, I है। I इज इक्वल टू E के पावर में थीटा क्या आपका, पाई बाई टू है, तो I इंटू पाई बाई टू इसको हम लोग लिख सकते हैं। थीटा कितना, पाई बाई टू है। अब इसी I के वैल्यू को यहां लाके रख दीजिए, तो यहाँ पे log y बेस में बाई डिफॉल्ट e होता है, y बेस में e इज इक्वल टू आई इंटू लॉग ऑफ, इस i की जगह क्या लिख देंगे, e के पावर में i पाई बाई टू हो गया आपका, और बेस में तो e है ही, e बेस e कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, और जो पावर है ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ से log y बेस में e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इंटू आई पाई बाई टू, आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, जो कि माइनस वन दे देगा, तो इसका वैल्यू माइनस पाई बाई टू हो गया। अब यहां से वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e के पावर में चला जाएगा माइनस पाई बाई टू। तो आपका फाइनल आंसर मैं पूछूंगा, वाई का वैल्यू यानी i के पावर i का वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका e के पावर में माइनस पाई बाई टू, इज योर फाइनल आंसर। और ऐसे ही तगड़े क्वेश्चन के लिए जुड़ना ना भूलेंगे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर से, ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा मैं आप लोगों को। अगर आपको सीखने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते हैं आप, इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं, तो मिले सुबह 7 बजे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे मेरे साथ, और ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पर सिखाऊंगा अच्छे अच्छे, जो कि नए नए आ रहे हैं आजकल के ट्रेंडिंग के मार्केट में, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे, ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन आप देख लेंगे वापस से पीछे करके वीडियो, नहीं समझ में आई हो तो। और ऐसे वीडियोस मैं डेली लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। मिलते, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलते 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।